मेरे अत्यंत स्नेही लाडलो, मेरे नूरे रत्न, मेरी बगिया के आप सभी महकते हुए बेहद कीमती गुलाब, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रामायण की एक चौपाई है उसके विषय में बताना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, ये बात हमारी समझ में आज तक आई नहीं कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि इनको हमेशा मारना चाहिए, पीटना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मेरे लाडलो, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया है और महापुरुषों के वचनों को सूक्ष्मता से ही समझना भी चाहिए। ऐसा कहकर माताओं की बहनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक कनक ते सौगुनी, कनक कहते हैं सोना को और कनक कहते हैं धतूरे को भी, कनक गेहूं की बाली को भी कहते हैं। कहते कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी अर्थात कनक धन सोना। यदि किसी के पास अत्यधिक सोना आ जाए, धन आ जाए तो क्या होता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। कहते हैं इतना भी ना देना मुझको कि हो जाए अभिमान, प्रभु मुझे इतना भी धन ना देना कि मैं बेहद अभिमानी हो जाऊं। तो उसी तरह यहाँ पर ताड़ना का अलग अलग अर्थ है। कहते ढोल, सबसे पहले हम ढोल को लेते, ढोल तो ढोल में ताड़ना का अर्थ उसे पीटना नहीं कि डंडा ले लो पीटते चले तो क्या होगा, फट जाएगी, बजेगी भी नहीं। ढोल को थाप देना प्यार से, तब उसमें सुरताल बजेंगे। खुशी मन से जब हम उनको होले होले उस पर थाप देते हैं, प्यार से बजाते हैं, तो वो पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को आनंदित कर देती है। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ है थाप देना। गंवार, ढोल गंवार, गंवार वो नहीं है जो गांव में रहता है। यहाँ गंवार अर्थ का अर्थ है अविवेकी प्राणी, जिसके पास बुद्धि नहीं है। अगर आप उसे ताड़ेंगे नहीं, उस पर नज़र रखेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, वो काम को बिगाड़ कर रख देगा। लेकिन जब आपके वो नियंत्रण में है, आपकी निगाहों में है, आपकी आप उसको ताड़ रहे हैं, तो अगर वो काम बिगाड़ता भी है तो आप उस काम को संभाल लेंगे। अब शूद्र, शूद्र का मतलब ये नहीं है कि जो निम्न जाति में जिसने जन्म लिया है। भाई कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला, क्षत्रिय उसका हृदय है, वैश्य पेट है और जंघा से नीचे पैरों का स्थान शूद्र का है। आप सबने देखा होगा कि हम भगवान की क्या कहते हैं, चरण वंदना करते हैं। तो जब वो चरणों से निकला है, हम चरण वंदना करते हैं, तो वो कैसे खराब हो सकता है। तो उस पर भी क्या करना है, हमें निगाह रखनी है, उसको अपनी नज़रों में रखना है, क्योंकि वो भी भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और पशु, पशु के ऊपर अगर आपने निगाह नहीं रखी तो क्या हो सकता है, वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। अब आते हैं नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी का भी अर्थ है क्या, नारी क्या है, अनमोल रत्न है। 14 रत्नों में नारी भी एक रत्न मानी गई है। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता है, जहाँ जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का कभी वास नहीं होता है, वो घर कभी फूलता फलता नहीं। यद नारी पूजन्ते रमते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर
क्या होता है? वहां पर सभी देवताओं का निवास होता है। तो मेरे लाडलो नारी आज हर गुण में आ गई, और नारी के लिए भगवान इस तरह कैसे कह सकते हैं कि सकल ताड़ना की अधिकारी है, केवल मान खाने के अधिकारी है? भाई ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष हुआ, आधे अंग से स्त्री, एक तरफ मनु हुए, दूसरे अंग से क्या शत्रुपा हुई। तो मनु शत्रुपा एक ही ईश्वर की दो शक्तियां हैं, एक शक्ति को दो भागों में बांट दिया गया। जब एक ही शक्ति दो भागों में बढ़ गई तो एक कमजोर एक बलवान कैसे हो सकती है? आज वीरता में देखो तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्या कोई वीरांगना हुई है जिसने दुश्मनों के अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए? उसके ऐसा योद्धा शायद ही कोई हुआ हो। साधुता में बिनारी आगे घर को संभालते हुए भी बाहर के क्षेत्रों में भी वो क्या कर रही है? नाम रोशन कर रही है। मेरे लाडलो रामायण में भी प्रभु श्री राम ने माता जानकी को हमेशा स्थान दिया, सम्मान दिया। कहते सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, कि जब केवट नाव पर राम प्रभु को चढ़ाने लगा तो पहले राम ने क्या किया? सीता को चढ़ाया, उनको आगे किया, उसके बाद खुद चढ़े। क्योंकि बच्चों जब शादी होती है तो पति को कहा जाता है आज से इसकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि क्या ये तो एक अनमोल रत्न है। देखो नारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा गया है। जब वो नन्ही सी छोटी सी होती है तब वो पिता की देखरेख में होती है, थोड़ी बड़ी हुई भाइयों की देखरेख में आ गई, और जब शादी हुई तो पति उसकी सुरक्षा करता है, वृद्धावस्था में पुत्र के ऊपर उसकी सुरक्षा का भार आता है। क्यों? क्योंकि 14 रत्नों में वो भी एक बहुमूल्य रत्न है, और जब वो इतनी बहुमूल्य है तो किसी की कुदृष्टि उपज पर ना पड़े, वो कहीं भी अपवित्र ना हो। इसलिए मेरे बच्चों नारी को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखो, निगाह में रखो, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखो। जो आज ये समाज में परेशानियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णतया स्वच्छंदता आ गई, नारी निगाहों में नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए कहा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इनको अपनी नज़रों के सामने रखो, इन पर निगाह रखो, इनको सम्मान देते हुए इनकी सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखो। तो मैं ये चाहूँगी कि कोई भी इस चौपाई का गलत अर्थ ना निकाले, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं। तो ये महापुरुषों की बातें हैं जो कि बड़ी सूक्ष्मता से लिखी गई, और हमें इनको सूक्ष्मता से समझना चाहिए। नारी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो वीरता का हो, मधुरता का हो, साधुता का हो, या अच्छे संस्कार हो, अच्छा स्वभाव हो, हर जगह नारी ने पूर्णतया सहयोग दिया है। तो नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है, नारी सम्मान की अधिकारी है, निगाहों में रखने की अधिकारी है, उस पर नज़र रखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।